कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आधुनिक तकनीक से तैयार स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है। इस डिजिटल क्लासरूम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के विषय पर छात्रों की क्लास ली और पोषक अनाजों के महत्व के बारे में जानकारी देने के अलावा डिजिटल तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को ICAR से संबद्ध सभी विश्वविद्यालयों में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में डिजिटल तकनीक का उपयोग कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की दूरदर्शी सोच को रेखांकित करते इस डिजिटल क्लासरूम में स्वयं कुलपति अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के विषय पर क्लास ले रहे हैं। सब जगह मैं नहीं जा सकता, सब जगह हर एक टीचर भी नहीं जा सकता, या हमें कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन किसी बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे करना है तो उसको हम यहीं से जोड़ सकते हैं बच्चों को। और आपने अभी देखा भी कि कितने अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम पूरा काम कर रहा है। भरतपुर से पूरे बच्चे जुड़े हुए थे, फतेहपुर से जुड़े हुए थे, नवगांव से जुड़े हुए थे, लालसोट से जुड़े हुए थे। तो इसी तरीके से हमारे जितने 13 कॉलेज हैं तो 13 के 13 कॉलेज में हम चाहते हैं उनको ये फैसिलिटी क्रिएट हो। मिलेट्स का तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं हम। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम की मदद से विश्वविद्यालय के संबद्ध सभी कॉलेजों के छात्रों को एक साथ पढ़ाने से जहां समय की बचत होती है, वहीं कुलपति से सीधा संवाद करने से छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता है कि कुलपति के पास कितना काम है, कितना इलाका है, कहाँ कहाँ जाना है, तो उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, जब भी मैं मेन कैंपस पर हूँ या किसी में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में भी जाता हूं तो बच्चों के साथ मैं इंटरेक्शन करता हूं, उनसे सारी बातों का पता लगाता हूं। इसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है उसमें वो होता है, एनहांसमेंट होता है। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में नवाचार के क्रम में मैंने छात्रों को पढ़ाने की पहल करते हुए एक MSc और 2 PhD के कोर्स लिए हैं, साथ ही सभी अधिष्ठाता व निदेशकों को भी क्लास लेने के निर्देश दिए हैं। मैंने IRI में करीब 16-17 साल पढ़ाया है। मेरा पूरा जिंदगी का एक मोटो रहा है कि जो नॉलेज आपके पास है वो अल्टीमेटली जो जिस आदमी को भी जरूरत हो उसके पास पहुंचनी चाहिए। जोधपुर में भी जब कुलपति था कृषि विश्वविद्यालय का, वहां भी मैं मास्टर्स को MSc और PhD की क्लासेस लेता था, और यहां भी वर्तमान में मैंने इस सेमेस्टर में 3 कोर्स लिए हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो MSc के लिए है, और प्लस में दूसरा कोर्स 2 PhD के कोर्स है, रिसेंट ट्रेंड्स इन वेजिटेबल कल्टीवेशन एंड एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के विषय पर पोषक अनाजों के बारे में जानकारी दे रहे कुलपति से सीधा संवाद कर रहे छात्र भी यहां खास से उत्साहित नजर आ रहे हैं। VC सर ने क्लास ली और ये बताया कि मिलेट्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि मिलेट्स एल्कलाइन होते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती है, और इसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है वो भी बहुत अच्छी है। VC सर ने बताया कि मिलेट्स में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इससे आयरन वगैरह की प्लीट बॉडी को मिलती है। इस डिजिटल क्लासरूम में हमें VC सर ने जो है बता रहे हैं अभी कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सर ने ये बताया कि हमें मिलेट्स से कितनी सारी चीजें बनाने को मिल सकती है, जैसे कि मिलेट्स के पकौड़े, मिलेट्स के कुरकुरे, मिलेट्स की चावल, मिलेट्स के सॉरी खिचड़ी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर बलराज सिंह हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में न केवल कृषि शिक्षा व शोध को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि प्रसार गतिविधियों के जरिए नवीन कृषि तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा है। स्मार्ट न्यूट्री सीरियल्स, जी हाँ, मोटे अनाजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषक अनाजों के रूप में रेखांकित किया है, और इसी रेखांकन के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कैंपस में अभी हम मौजूद हैं। अभी इस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं यह है स्मार्ट क्लासरूम। विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं बच्चों को न केवल मिलेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं बल्कि शिक्षण कार्य करवाने के साथ साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के छात्रों और प्राध्यापकों को शिक्षण कार्य भी करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर कुलपति की इस तरह की पहल से एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को मनाने की एक सार्थकता साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर पोषक अनाजों के बारे में जानकारी देने से शिक्षकों और विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। OP यादव, DD News, जोबनेर।